हम लोग सब जा रहे हैं फार्म फिर से, और इस ट्रिप में होने वाली है वो मच अवेटेड शिफ्टिंग इनटू द न्यू स्ट्रक्चर। ये सो आई एम गोना शो यू हाउ दैट गोज। मीनवाइल वी आर एंजॉयिंग द जर्नी। ये देखिए, इस बार की नाचनी की खेती शुरू हो चुकी है। हम लोग फार्म पहुंच गए हैं और अभी सबसे पहली चीज ये है कि देखना है क्या क्या काम हो गया है और क्या क्या काम इस ट्रिप में पूरा करना है, राइट। सबसे पहले तो ये जो पूल साइड पे वो जो एरिका पाम्स लगवाए हैं ना, सेम मुझे इस साइड पे भी चाहिए इंस्टेड ऑफ द ग्रीन क्लॉथ। तो हम जाएंगे और पाम्स खरीद के लेकर आएंगे अभी। This is a pathway which Mohit made with his own hands the last time he was here. Good job, baby. Adam, good job. अभी इस ट्रिप में मैं चाहती हूँ कि थोड़ी बहुत जिमिंग भी करूँ, बिकॉज लास्ट टाइम आई कुड नॉट यूज माई जिम। वाई आई डेंट यूज माई जिम आई डोंट रिमेम्बर, बट सो अभी क्या है ना कि मेरे को थोड़ा सा बैक में भी इशू है, फॉर विच आई वॉज वेयरिंग अ बैक ब्रेस वाइल कमिंग, बट दैट इज अ रेगुलर थिंग विद मी। लोअर बैक प्रॉब्लम चलती रहती है मेरी, थोड़ा सा संभाल के आई वॉन्ट टू डू जिमिंग ऑल्सो। सो येस, लुक्स परफेक्टली रेडी टू मी। तुम क्या खा रहे हो भाई? ये आराम का बचा हुआ बर्गर है, खा लिया। देखो नहीं, मैंने खा लिया। जो लेबर आ गया था आज, तो उससे थोड़ा करवा लिया साफ सफाई। शिफ्टिंग के लिए बुलाया था, बट शिफ्टिंग आज नहीं हो रही, कल हो रही है। उससे सब थोड़ा क्लीन अप करवा लिया, पत्थर उत्थर थे बहुत, साइड में करा लिया, इसको मैदान बना देंगे। चलो घर पे देखना है मुझे कैसा चल रहा है सब। घर पे अभी लाइट नहीं है, उसको फोन करता हूं। ओके, इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है नए वाले घर में, बट इट्स लुकिंग सो प्रिटी मैन। ओए, ये दोनों बच्चे यहाँ क्या कर रहे हैं? तो मुझे लोअर बैक का जो इशू रहता है ना, व्हाट इज दैट एग्जैक्टली? इसकी मुझे कम से कम 8-10 बार स्लिप डिस्क हुआ है, एंड टू ऑफ माय डिस्क्स हैव स्लिप्ड रिपीटेडली अगेन एंड अगेन। सो L4, L5 और L5S1 इज अ प्रॉब्लम। उसके अलावा लाइक इफ आई डू एन MRI, तो यू नो हाउ आर डिस्क्स आर, ऐसे दो, मतलब दो जो स्पाइन के जो पूरे जॉइंट्स होते हैं उसके बीच में जो जेली होती है उसको हम डिस्क बोलते हैं। और तो मेरी जो जेली है वो मोस्टली लाइक सी सेक्शन की भी सारी की सारी, एल सेक्शन की, एस सेक्शन की, सभी सबना काली हो गई है, विच मीन्स इट्स ड्राइड अप। सो द बैक इज नॉट इन अ वेरी गुड शेप। सम डेज व्हेन आई एम रियली टायर्ड एंड बॉडी इज नॉट रिकवरिंग फ्रॉम ऑल द एक्टिविटी दैट आई एम डूइंग, यानी कि चलना फिरना, जिमिंग, एवरीथिंग मिलाकर, तो बैक कभी कभी ऐसी फील होती है जैसे कि टूट जाएगी। सो दिस इज अ ग्रेट बेल्ट दैट आई हैव फाउंड विच सपोर्ट्स माई बैक। तो जब तक उस फेज से मैं गुजरती हूँ तब तक मैं ये पहन लेती हूँ। यूजुअली इट लास्ट अ फ्यू आवर्स और उसके बाद रिकवरी हो जाती है मेरी, बिकॉज एक्सरसाइज कर करके मैंने अपनी बैक को बहुत 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 स्ट्रांग बनाया है, राइट। सो दिस इज समथिंग आई बॉट फ्रॉम डिकैथलॉन, एंड यू कैन सी कि बहुत ही पतली सी बेल्ट है। ऑल्सो इट completely conceals under clothes, like if I want I can wear it under my pant and nobody will know that I'm wearing it. Usually as a person with slip disc, mujhe is tarah ki belts main hamesha dhoondti hu, because usually jo normal brands ki jo belts hoti hain wo moti moti hoti hain aur wo bahut, I mean it's like totally kills your style statement. You know, kahin jana hai bahar aur belt bhi lagani pad rahi hai to aap kar nahi pate ho, isliye I'm just sharing this with you so that if any one of you is struggling with the same thing, this might help. Thank you.
लेकिन आपने प्लांट क्या किया उसके अंदर? नहीं। तो फिर कैसे उगेगा? उगेगा कुछ तो। बिना सीड डाले उग जाएगा। He means weeds will grow. मतलब I will put खजूर in it. And you want a खजूर tree to grow here? Yeah. अभी अभी मुझे पता चला है कि मेरी एक कॉन कॉल है, यानी कि कॉन्फ्रेंस कॉल जो मुझे करनी है, तो मैं शायद प्लांट्स खरीदने के लिए नहीं जा पाऊंगी। आई रियली वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, बट एनीवे मोहित और अरम जाएंगे। दोनों माय दोनों बॉयज विल गो एंड गेट प्लांट्स फॉर मम्मा, एंड आल्सो जो नया वाला घर है उसके अंदर कर्टन्स लगाने हैं, तो रॉड का मेजरमेंट लेना है ताकि उसकी भी हम कटिंग करके ले आए। सो लास्ट टाइम व्हेन वी वर हियर इसमें पॉलिश था एंड बारिश का पानी लग के वो पॉलिश पूरा खराब हो रहा था, एंड आई थॉट ये थोड़ा लाइफ इसकी बेटर हो जाएगी, तो इस पे हमने एक वुड वाला जो पेंट आता है वुड टच वो कर दिया है। हमने मतलब मैंने और आराम ने। नाइस। मैंने मोहित को भी कॉल किया है जो गया है प्लांट्स लेने के लिए, और अभी जो हमने कर्टन के रॉड्स का साइज लिया वो रॉड्स लेने के लिए, एंड भाई साहब हैज फॉरगॉटन हिज फोन ओवर हियर जिसमें सारे मेजरमेंट्स थे, तो पता नहीं वो क्या लेकर आएगा। रॉड्स तो मुझे मुश्किल लग रहा है बिकॉज देयर आर 1, 2, 3, 4, 5, 6 डिफरेंट विंडोज इन द टू रूम्स। आई डोंट थिंक यू कैन रिमेंबर ऑल द मेजरमेंट्स। बिफोर आई गेट इनटू द पूल आई वांट टू गो एंड सी के नया वाला जो घर है उसके किचन में बारिश का क्या इम्पैक्ट होता है, लाइक व्हाट डू आई नीड टू डू सो दैट द रेन डजंट हैम्पर माय कुकिंग। पर मैंने छतरी बहुत ढूंढी मुझे नहीं मिल रही है, तो जान बचा के भागना पड़ेगा। आई मीन मैं तो पूल में जा रही हूँ बट फोन को बचाना पड़ेगा। एकदम सूखा स्लैब। हो दिस इज लाइक द बेस्ट थिंग एवर। कैन यू इमेजिन यहाँ पर एक छोटी सी गैस होगी, वहां पर हम गर्मा गर्म मैगी बना रहे होंगे इस बारिश में। आई मीन व्हाट मोर कैन एनीबडी आस्क फॉर, इट इज सो अमेजिंग। आई एम रियली लविंग इट, सॉरी एक्सक्यूज माय एंथुसियाज्म। OMG ऊपर वाला भी दिख रहा है थोड़ा थोड़ा। Can you imagine how fulfilling and how satisfying these little things that nature has to give us are? हम लोग कदर ही नहीं करते इन चीजों की। कितने खुश हुए हैं सब लोग रेनबो देखकर, जैसे जिंदगी में कभी रेनबो ना देखा हो। एक्चुअली मैंने तो लिटरली नहीं देखा है, शायद एक बार पहले देखा है। वो ही तो सही, एक बार दिखाया उसने मुझे। एंड हियर आर माय प्लांट्स। Going so great. Swimming भी कर ली, बारिश भी देख ली, रेनबो भी देख लिया। Now I'm going to go shower, but the rest of the day अभी प्लान हमारा ये है कि कल सुबह सुबह कार्पेंटर आएगा बनवारी, और यहाँ के जो बेड्स वगैरह है ना उनको खोलना पड़ेगा। He's going to open them, then we'll do the shifting to the new house. And plants वगैरह जो लेकर आए हैं वो सब हम लोग plant करेंगे कल। कल का दिन भी बहुत एक्साइटिंग होगा। और आज
after I shower and after everybody showers, the plan is to do a barbecue. So we've got chicken, we have gobi, mushrooms, and bhutta. लो जी, एज लक वुड हैव इट, मुझे हो गया थोड़ा सा बुखार एंड आई तो जस्ट पास्ड आउट. तो बारबेक्यू का सारा मज़ा मैंने कर दिया मिस. उसके थोड़ी देर के बाद अरब मुझे उठाने आया एंड ही सेड, मम्मा चलो खाना रेडी है, बारबेक्यू रेडी है. सो आई वेंट एंड एट एंड देन आई पास्ड आउट अगेन. आई थिंक आई वाज जस्ट टू एग्जॉस्टेड, बट आई होप यू गाइस एंजॉय दिस वीडियो एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू बीइंग वुमन विद छवि. This is me signing out. Love and peace from me to you. Aur kal definitely shifting hogi. Keeping my fingers crossed.